चिपचिपा पानी निकलना, देखिए आसान उपचार क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी लोग मतलब एवरेज 1 से 2 कॉल तो हमें आते ही रहते हैं, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स आते रहते हैं या खुद हमारे यहाँ मिलने के लिए आते हैं लोग, लड़के लोग विशेषता, और उनकी कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है कि उनके लिंग से चिपचिपा पानी निकलता है। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करते हैं तो, या अपने प्रेमिका के साथ में बातचीत करते हैं तो, या पत्नी के साथ में कुछ बातचीत करते हैं, खेलते हैं तो, मतलब कुछ भी करते हैं तो, या संभोग के पहले चिपचिपा पानी निकलता है और उनको लगता है ये बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए वो आते रहते हैं। चिपचिपा पानी निकलने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि अपनी ताकत चली गई, लिंग में कमजोरी है और ऐसे ही चलते रहा तो अभी क्या होगा। अभी ये समझने के लिए चिपचिपा पानी क्यों आता है, समझने के लिए आपको देखना होगा कि चिपचिपा पानी मतलब होता क्या है। क्या है कि हर व्यक्ति को, पुरुष को एक लिंग है, लिंग में से एक अंदर से नली आती है जिसमें से आपको पेशाब होती है, पेशाब की एक थैली पेट में होती है, पेशाब की एक थैली है, वहां से एक नली निकलती है और वो नली सीधा लिंग में से बाहर लिंग के मुंह पे आती है। पेशाब की थैली भर गई कि हमें पेशाब लगती है, हम बाहर जाके पेशाब करते हैं। अब ये जो पेशाब के थैली से जो एक नली निकलती है, वो नली को दूसरी एक नली ज्वाइन होती है जो सेमिनल वेसिकल से आती है, सेमिनल वेसिकल्स, जहां शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकते हैं या स्टोर होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स है, वहां का भी सिक्रेशन रहता है। सेमिनल वेसिकल, दो थैलियां रहती है, दो बाजू छोटी छोटी थैलियां रहती है, उसका भी कुछ सिक्रेशन है जो वो शुक्राणु के लिए पोषक है, तो वो भी रहता है। और वो पेशाब की जो थैली है उसके नीचे है और दो मटर के दाने जैसी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां रहती है, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि पेशाब की जो नली है उसमें सिक्रीशन डालना और उसको साफ करना। अब पेशाब की नली को साफ क्यों करना, देखो पेशाब जो है वो हमारे एसिडिक होती है, यूरिन का पीएच जो है वो कम रहता है, एसिडिक रहता है, वही नली से शुक्राणु आते हैं, मतलब वीर्य वही नली से बाहर आता है, नली तो सेम ही है, पेशाब के लिए भी वही नली है, वीर्य के लिए भी वही नली, वीर्य में शुक्राणु रहते हैं। अब समझो पहले पेशाब की नली में से पेशाब गई हुई है और पेशाब की जो नली है वो है एसिडिक, और एसिडिक यदि नली है उसमें यदि शुक्राणु आते तो शुक्राणु भर जाएगी, शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते, खराब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसलिए ये कुदरती इलाज हमारे बॉडी में करके रखा हुआ है वो ये है कि स्पर्म आने के पहले उसका रास्ता तैयार किया जाता है, स्पर्म आने के पहले उसका रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ता उसका एक तो न्यूट्रल या अल्कलाइन बनाया जाता है ताकि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स है, वो आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे, आसानी से बाहर जाएंगे, जीवित रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आसानी से बाहर जाएंगे, और बाहर मतलब एक तो बाहर जाएंगे या स्त्री के योनि में जाएंगे, मतलब ऐसा होता है कि बाद बा मुलाहिजा होशियार राजे आ रहे हैं, तो वो राजा महाराजा आने के पहले जैसे पहले दरबारी लोग आते थे और उनके मानकरी लोग पहले आते थे और वो आवाज़ देते थे कि राजे महाराजे आ रहे हैं, वैसा ये स्पर्म जो है, धातु जो है, वो धातु पेशाब की थैली नली जो है, थैली से निकलने वाली नली, उसमें वो वीर्य जाता है, सेम है, तो वो वीर्य वहां आने के पहले वो साफ किया जाता है, मार्ग रास्ता साफ किया जाता है, वो न्यूट्रल या अल्कलाइन किया जाता है और वो करके फिर वहां से धातु बाहर जाए। चिपचिपा पानी क्यों आ रहा है, तो चिपचिपा पानी कुदरती देन है, कुदरती देन है कि भाई वो स्पर्म आने के पहले वो चिपचिपा पानी काउपस ग्लैंड से बाहर निकलेगा और वो अपने स्पर्म को हेल्दी रखेगा, जीवित रखेगा, एकदम टनाटन रखेगा, टकाटक रखेगा, ताकि वो स्पर्म्स उनका रास्ता जो है वो पेशाब की नली से बाहर निकलेंगे, पेनिस से बाहर निकलेंगे, लिंग से बाहर निकल के स्त्री के योनि में जाएंगे। तो ये काम उसका हो गया कि स्पर्म को हेल्दी रखना, और इसलिए वो चिपचिपा पानी आता है। तो चिपचिपा पानी क्यों आता है, चिपचिपा पानी आता है वो जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, उनको जीवित रखने के लिए, तो ये कुदरती उपाय है। चिपचिपा पानी का दूसरा क्या फायदा है, चिपचिपा पानी का दूसरा ये फायदा है कि देखो लिंग सीधा योनि में नहीं जा सकता, फ्रिक्शन होगा अंदर जाएगा नहीं, सूखा होगा तो लिंग अंदर जाएगा नहीं, तो लिंग अंदर जाने के लिए जैसा लुब्रिकेशन करना जरूरी होता है, तो लिंग का लुब्रिकेशन और योनि का लुब्रिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए वो काउपर्स ग्लैंड से पहले सिक्रीशन आता है नली से और वो बाहर आता है और वो योनि को, लिंग को वो गिल्ला करता है,
वो लुब्रिकेशन करता है उसका और वो चिकना चोपड़ा करता है ताकि लिंग का योनि में प्रवेश हो जाएगा। तो चिपचिपा पानी आने के दो कारण, दो फायदे। एक फायदा यह है कि शुक्राणु को जीवित रखना, शुक्राणु को हेल्दी रखना, उसका पहला फायदा। और दूसरा है कि लिंग का योनि में प्रवेश करने के लिए सहज मार्ग रास्ता तैयार करना ताकि वो चिकना चोपड़ा हो जाए और योनि में लिंग का प्रवेश आसानी से हो जाए, नहीं तो होगा ही नहीं। यदि सूखा है तो होगा नहीं। स्त्री के योनि में भी ऐसा होता है, स्त्री के योनि में भी चिपचिपा पानी पहले आता है और वो इसलिए आता है कि योनि में लिंग का प्रवेश बराबर होना चाहिए। उसका भी वही काम है और उसका भी वही काम है कि वहाँ यदि एसिडिक कंडीशन है, वहाँ का पीएच यदि कम है, एसिडिक है, तो वो एसिडिक पीएच में, क्योंकि उसके ऊपर रहती है पेशाब की नली। अब देखो पेशाब की नली जो है और वो एरिया जो है वो एसिडिक रह सकता है, पेशाब वहाँ से होती है ऊपर की नली से, तो वो भी एसिडिक रह सकता है। अब इसलिए वो पूरा एरिया अल्कलाइन करना है, न्यूट्रल करना है, अल्कलाइन करना है और इसके लिए स्त्री के योनि में भी पहले चिपचिपा पानी आता है। तो स्त्री के योनि में चिपचिपा पानी आने के भी दो उद्देश्य है, दो फायदे हैं। एक तो योनि को न्यूट्रल या अल्कलाइन करना ताकि आने वाले शुक्राणु को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। नंबर दो, चिकना चोपड़ा करना ताकि लिंग का प्रवेश योनि में ठीक हो जाए। ये दो, और वैसे ही दो फायदे पुरुष के चिपचिपा पानी आने से होते हैं, शुक्राणु को जीवित रखना, हेल्दी रखना, अच्छा रखना, और नंबर दो, योनि में लिंग का प्रवेश आसानी से कर देना। फिर लड़की के साथ में बात करते करते ऐसा क्यों होता है, चिपचिपा पानी क्यों आता है? क्योंकि वो चिपचिपा पानी आना मतलब वो तैयारी करना है। उसको क्या मालूम कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक्चुअली सेक्स करने वाले हैं। ब्रेन को ये जाता ही है इन्फॉर्मेशन कि आप बात कर रहे हैं, तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है कि चलो तैयार हो जाओ, हो सकता है कि सेक्स करना पड़े। उसको ये नहीं समझता कि सिर्फ बात ही कर रहे हैं, उसको ये समझता नहीं कि सिर्फ मोबाइल के ऊपर बात चालू है, सेक्स नहीं करने का है, उसको नहीं समझता ब्रेन को। उसको लगता है कि भाई ये अभी बात कर रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, उसको लगता है कि अभी सेक्स करने का टाइम आ सकता है, तो उसकी पूरी तैयारी कर लेता है। चिपचिपा पानी कॉर्पस ग्रंथि जो होती है वहां से निकलना चालू हो जाता है और वो पूरी तैयारी के साथ में रहता है कि अभी सेक्स हो जाए तो आगे का कार्यक्रम ठीक होना चाहिए करके। तो चिपचिपा पानी का इलाज करने की जरूरत है नहीं, चिपचिपा पानी आना ये नॉर्मल है। लड़की के साथ में बात कर रहे, प्रेमिका के साथ में बात कर रहे, गर्लफ्रेंड के साथ में बात कर रहे, पत्नी के साथ में बात कर रहे, कुछ भी कर ले, पॉर्न मूवी देख रहे, सेक्स की वीडियो देख रहे, कुछ भी आप सेक्स के बारे में सिर्फ विचार कर रहे, इमेजिनेशन कर रहे, तो चिपचिपा पानी आना चालू हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन को यह समझता नहीं है कि सिर्फ आप विचार कर रहे कि एक्चुअली अभी सेक्स करने वाले हैं। वो तैयारी करता है कि सेक्स यदि करने का काम पड़े तो अपन ने पूरी तैयारी रखना है। तो इसलिए चिपचिपा पानी है, चिपचिपा पानी का इलाज नहीं करना है, वो चिपचिपा पानी आता ही है। अभी मुझे एक व्यक्ति आया था, लड़का है, शादी के बाद में 15-15 दिन घर जाता नहीं है, टूर पे रहना पड़ता है, चिपचिपा पानी आता है। कितने सारे लोग बोलते हैं हमारा ये चिपचिपा पानी बंद कर डालो। मतलब भाई ये बंद कैसे होगा, जो नॉर्मल है उसको क्या बंद करेंगे आप, जो कुदरती है उसको कैसा क्या बंद करेंगे? उसको बंद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना बाद में, तो बंद नहीं करने का है वो, उसको आने दो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कुदरती नॉर्मल प्रक्रिया है, उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है, उसका उपचार करने की जरूरत नहीं है। इतना ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा पानी आता है और बहुत ज़्यादा धातु गलते रहता है, ऐसा लगता है आपका। यदि बहुत ज़्यादा गैप होता होगा, हस्तमैथुन कर डालो। हस्तमैथुन करेंगे तो जो भी जमा हुआ है, जो भी काफ़ी दिन से बाहर निकला नहीं वीर्य, वो निकल जाएगा, थैलियाँ खाली हो जाएंगी, आपको भी तसल्ली हो जाएंगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये बार बार जो चिपचिपा पानी आता है या बार बार जो वीर्य बाहर आता है, ऐसा आपको लगता है बात करते करते वीर्य बाहर आता है, तो वो तकलीफ रहेंगी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो वो जो चिपचिपा पानी आता है उसमें स्पर्म्स रहते नहीं है ज़्यादातर, जब तक वीर्य नहीं आता है तब तक उसमें स्पर्म रहेंगे नहीं। चिपचिपा पानी है बाहर का ही है, वहाँ तक नहीं। देखो स्पर्म कहाँ तैयार होते हैं, स्पर्म तैयार होते हैं टेस्टिकल्स में, वृषाणों में, जो नीचे दो गोले लटके हुए हैं वो जो उसको बोलते हैं टेस्टिकल्स, वो टेस्टिकल में स्पर्म्स तैयार होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं, उनका सफ़र, उनकी यात्रा होती है और उनकी यात्रा पेट में से होती है और पेट में से फिर लिंग में आते हैं। तो ये पूरी जो यात्रा है वो यात्रा में उनको खाना पीना खिलाना, वो जो बीच बीच में जो ग्लैंड्स है उनका काम है, वो उनको खाना पीना खिलाते रहती है ताकि वो जीवित रहे, अच्छे रहे, और उसमें से एक पार्ट है चिपचिपा पानी आना। तो इसका इलाज नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है, चिंता करने का नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ दो। आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।